तो वेलकम टू द न्यू डे न्यू वीडियो। और भाई ड्यूटी का कुछ ऐसा है कि आज है रेस्ट और रेस्ट में चल रहा है। और कल जो था काफ़ी रात में हम पहुंचे घर, घर आने में काफ़ी लेट हो गया। रायगढ़ के लिए निकले और सुबह सुबह 4 बजे आए। एक तरह देखा जाए ये देख एक से एक लोग हैं। तो भाई सुबह 4 बजे आए हैं और सुबह से सोने का प्रोग्राम चल रहा है। मैंने इतना थकावट लग रहा था कि मेरे को मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तो आके जो सोए हैं, अभी शाम हो रहा है, अभी उठे हैं, गए थे थोड़ा मार्केट, शॉपिंग वॉपिंग किए, सामान वामान ले आए और उसके बाद जस्ट अभी आके बैठे हैं। क्या है बेटा, क्या ले आई है, क्या है, क्या है? आज हम लोग बात करेंगे ट्रेन के स्पीड के बारे में। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ पीपल को पता है कि पैसेंजर ट्रेन का हाईएस्ट स्पीड ट्रेन क्या है। जल से मारते डर 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 गूगल बता देता है कि ये स्पीड सबसे ज़्यादा चलती है ट्रेन भारत में। तो आज एज ए गुड्स पायलट हम गुड्स ट्रेन के बारे में बताएंगे कि गुड्स ट्रेन जो है कौन सा सबसे स्पीड में भागता है और क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके कारण स्पीड अलग अलग जगह में अलग अलग तरह होता है। इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्पीड के बारे में बात करने से पहले हम ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो आप मानक जो होता है कि कितना स्पीड में चलेगा, तो आपका ट्रैक का स्पीड है कि ट्रैक का स्पीड कितना है। मान लीजिए ट्रैक का स्पीड 110 का है, 100 का है, 75 का है, तो ट्रैक का स्पीड अलग अलग स्पीड में अलग अलग तरह से चलेगा। उसके बाद लोको का स्पीड भी है, आपका लोको का कितना स्पीड है। लोको का 100 के एमपीएच में चलने वाला, 80 के एमपीएच में चलने वाला, 110 में, 130 में, तो उसका क्राइटेरिया अलग अलग है। तो सीधी सीधी शब्दों में अगर बात करें तो ये बात है कि ट्रेन का स्पीड, जो ट्रेन वैगन जो लगा हुआ है उसका स्पीड, लोको का स्पीड और ट्रैक का स्पीड, ये तीनों स्पीड में से जो सबसे कम होगा उस स्पीड पर ही गाड़ी चलेगा। मान लीजिए कि अगर आपका ट्रैक का स्पीड 110 का है, तो मान लीजिए कि ट्रैक का स्पीड जो है 110 का है पर आपका वैगन जो है वो 65-75 है, तो आप 110 पे नहीं चलेगा। जो 65-75 है उस पर आपको चलना पड़ेगा। या अगर मान लीजिए कि लोको का और स्पीड कम है, अगर ट्रैक का स्पीड 110, वैगन का स्पीड है 65, लोको का स्पीड है 60, तो आपको 60 के एमपीएच पे अपना गाड़ी को दौड़ाना पड़ेगा। आप ट्रैक का स्पीड में नहीं चला सकते हैं। जो सबसे मिनिमम स्पीड होगा उस स्पीड में आपको गाड़ी को चलाना है। पहले बात करेंगे एनबॉक्स के बारे में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो एनबॉक्स जो है सबसे ज़्यादा आपको रेलवे में मैक्सिमम ये वैगन देखने को मिलता होगा। आप सारी जगह का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरा साउथ ईस्टर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा एनबॉक्स चलता है। तो एनबॉक्स जो है उसका एम्प्टी में स्पीड, मानी खाली अगर गाड़ी है तो उसका मैक्सिमम स्पीड है 80, ठीक है। और अगर लोडेड है, फुली लोडेड है, तो उसका मैक्सिमम स्पीड है 60-65। एनबॉक्स में भी अलग अलग प्रकार का, फिर अलग अलग प्रकार का ब्रेकिंग सिस्टम है और उसके आधार पर फिर उसका स्पीड भी अलग अलग है। लेकिन एक मोटा मोटी अंदाजे अगर आपको बात करें तो 80-60 है भाई। नेक्स्ट जो है वो है बीसीएन जो आप देख रहे हैं, जस्ट आपका ऊपर से ढका हुआ है चीज़ें, जितना भी प्रोटेक्टेड चीज़ है उसको इसमें लोड किया जाता है। तो इसका भी जो मैक्सिमम स्पीड है एम्प्टी में 80 है और लोडेड में 60 है। तो आपका बीसीएन से जुड़ा एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम गुड्स ट्रेन में वर्किंग करते हैं। तो गुड्स ट्रेन में मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को एक दिन बीसीएन एम्प्टी मिला और हम झांसूगुड़ा जो मेरा हेडक्वार्टर है वहाँ से आगे निकले हैं। आगे निकलने पर एक लॉबी है एक स्टेशन छोड़ के जिसका नाम है बिराजनगर, जो बिलासपुर डिवीजन में पड़ता है, ठीक है। तो बिलासपुर डिवीजन में पड़ता है, तो वहाँ पर क्या हुआ, चीफ लोको इंस्पेक्टर एक वहाँ चढ़ा जो कुछ असिस्टेंट लोको पायलट को लिया हुआ था, जो नए नए असिस्टेंट लोको पायलट है उनको फुट प्लेटिंग दे रहा था। फुट प्लेटिंग का मतलब ये होता है कि उनको बता रहा था कि सेक्शन में कैसे काम करना है, कैसे सिग्नल कॉल आउट करना है वगैरह, कैसा सिग्नल है, क्या है। नया नया जब भी आप कहीं जाते हैं तो आप एक CLI के अंदर आते हैं और वो CLI आपको एक मोटा मोटी नॉलेज दे देता है सेक्शन में काम करने का, क्योंकि आप नए हैं, किताबी भाषा अलग है और जो ऑन ड्यूटी ऑन रोड ड्यूटी जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में जानकारी देता है। ये लड़की बहुत अलग है बेटा, मेरे को बनाने दो वीडियो।
किस्सा कुछ ऐसा हुआ कि वो मुझसे पूछा कि मास्टर जी इसका क्या मैक्सिमम स्पीड। तो भाई रियली हम बता रहे थे, मेरे को पता था 80 स्पीड है, लेकिन हम उसको बोले कि हम 60 में। वो मेरे से मतलब क्वेश्चन ये किया कि आप इसको कितना में चलाइएगा, तो हम सीधा बोले कि सर हम 60 में चलाएंगे। तो वो बोला कि 60 में क्यों चलाइएगा, 80 में क्यों नहीं चलाइएगा। तो हम बोले कि सर मेरे को डर लगता है। डर का इन द सेंस ये है भाई कि जो आपका झारसुगुड़ा से रायगढ़ का एक सेक्शन जो है वो मतलब थोड़ा सा पेचीदा है, कभी पहाड़ आता था पूरा पहाड़ आता, कभी डाउन आता था पूरा डाउन आता। तो शुरू शुरू में जब हम ड्राइवर बने तो पूरा पीट के चलाते थे, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा डर मन में आ गया है। धीरे धीरे में भी वो डर निकल जाएगा। डर मन में आने का मिंदा सेंस है कि बीच में जो है एक बहुत बड़ा बेहतरीन एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट। उसमें क्या हुआ कि वो गाड़ी डाउन में उतर रहा था, एक स्टेशन पड़ता है जामगा बोल के, वो डाउन में उतर रहा था, उसमें ब्रेक नहीं लगा और पूरी की पूरी गाड़ी जाके एक आगे जो गाड़ी खड़ी थी उसको हिट कर दी और कूड़ा का ढेर बन गया पूरा गाड़ी। मैंने वहाँ दो लाइन है लूप लाइन में और दोनों को समेट लिए, एक के ऊपर एक गाड़ी चढ़ी है। तो ये सब भाई मतलब क्या बोलेंगे, एक ड्राइवर का मेंटली एक कंडीशन आ जाता है। तो वो मेरे को एक ही बात बोले कि मास्टर क्या अगर कुछ होना होगा तो 60 स्पीड में नहीं होगा क्या। हम उनको क्या जवाब दें भाई, ठीक है, बट अपने आप को वो अभी धीरे धीरे करके हम उसमें ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका मैक्सिमम स्पीड 80 है और 60 है मिनिमम। उसके बाद नेक्स्ट हम और एक विकेट का बात करते हैं, तो वो है BOBR। तो BOBR जो है मेरे को सबसे रद्दी वैगन लगता है। तो BOBR में मेन प्रॉब्लम क्या है, ब्रेकिंग का बहुत लफड़ा है, मारो तो लगता नहीं, लग जाएगा तो छूटता नहीं। मैंने किसी अगर जगह आपको ज़्यादा स्पीड हो गया, आप कम करना चाहें तो इतना कम स्पीड हो जाएगा कि फिर उसको बढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो BOBR का जो मैक्सिमम स्पीड है मैं 65 और मिनिमम जो है 60 है। एवरेज अगर गाड़ी को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब स्पीड जो है वो 65-60 के आसपास ही है, ठीक है। तो BOBR में 65-60 देने का मेन रीज़न हम समझ ही रहे हैं क्योंकि उसका ब्रेकिंग का प्रॉब्लम है, लोड गाड़ी में बहुत बड़ा दिक्कत होता है। तो अगला जो गाड़ी है ये जब हम टाटा में थे सबसे ज़्यादा इसका यूज होता था, सबसे ज़्यादा इसको काम करते क्योंकि टाटा स्टील जो है इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा काम करती है। इसका नाम है BOBS। तो BOBS जो है, अरे बेटी इतना हल्ला कर रही है ना, तो BOBS जो है, BOBS में क्या है कि उसका मैक्सिमम स्पीड जो है लोडेड में 45 है और एम्प्टी में 60 है, ठीक है। तो टाटा जो है जो यूज करती है आपका BOBS वो पुश पुल यूज करती है। पुश पुल का अर्थ है कि दोनों तरफ इंजन रहता है, आगे भी एक इंजन पीछे भी इंजन। इससे क्या होता है कि सेंटिंग का टाइमिंग बचता है, सेंटिंग के अंदर सेंस ये है कि इंजन को घुमाना लगाना एक टाइम बचता है, जिधर से भी घुसा आप उधर दूसरा ओर से निकाल लो। टाटा इसका सबसे ज़्यादा यूज करती है। तो भाई नेक्स्ट ट्रक जो है वो है BFNS, जो आप कंटेनर देखते हैं फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता है, जिसमें काफ़ी महंगा महंगा सामान भी आता है भाई, समुद्री जहाज में ऊपर कंटेनर लोड रहता है। और तो कंटेनर जिसमें लोड होता है उस रेक को BFNS बोला जाता है। इसका लोड आपका एम्प्टी में स्पीड 100 है और लोड में 75 है। और इधर जो कंटेनर चलता है उसमें क्या रहता है कि बहुत कम लोड रहता है, बहुत काफ़ी ज़्यादा कम लोड, इसलिए इधर 100 में चलाने के लिए हम लोग को बोला जाता है क्योंकि ऐसा एम्प्टी ही रहता है वो। तो यहाँ हम लोग मोटा मोटी 100 में चलाते हैं। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ जानकारी मिला होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब मारते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।